हम वेलकम बोलेंगे जाहिद हैदर भाई को, जो एक्स ईपीसीए प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट। तो जाहिद भाई, आपको कैसा लगा ग्राउंड में आके, ग्राउंड का एटमोसफियर देख के? हमारे चैनल पे तमाम पूरी पब्लिक आपको इस वक्त देख रही है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आमिर को, आमिर अब्बास। माशाल्लाह जो इनकी अचीवमेंट्स हैं, और मैं ईमान सऊदी अरेबिया से बाहर होता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, पाकिस्तान में हूँ या यूरोप या अदर कंट्रीज, मैं दूर रहते हुए भी आपके इस लाइव कवरिंग की वजह से ईपीसीए से जुड़ा रहता हूं। कनेक्टेड है, और सिंस 1992 से मैं ईपीसीए का हिस्सा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्लेइंग मेंबर, सिर्फ दो साल के लिए जब मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा था मैंने अपनी प्लेइंग मेंबरशिप खत्म की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं ग्राउंड में तलवार खड़ी है। वो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, वही हाईवे 2 का ग्राउंड है, मणिग्राम का टूर्नामेंट याद आ जाता आपको देख के, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट। उमेर भाई भी हंस रहे हैं वहाँ खड़े होकर, बताएं उमेर भाई कैसा था हमारे जाहिद भाई का वो अरेंजमेंट और वो सारी चीजें। अबुल भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सलाम अर्ज कर रहे हैं। अबुल भाई का सलाम आपके लिए है। अबुल भाई दी ग्रेट, बहुत सारी यादें अबुल भाई के साथ इस ग्राउंड पर। ये हाईवे 2 का ग्राउंड, और इसको हम शेयर किया करते थे SSP के साथ, अजहर फारूकी मरहूम और भाई मियां मरहूम सिकंदर कमाल फारूकी, जब इस ग्राउंड पे आते हैं तो उनकी बात और उनके जिक्र के बगैर कोई जिक्र ईपीसीए का क्रिकेट के हवाले से ना मुकम्मल समझा जाता है। और वो सामने जो डगआउट बना हुआ है वो जी बड़ी हमने कोशिशों से, बड़ी मुश्किलों से वो बनाया था उस ज़माने में, बड़ी अर्जेंसी में। मणिग्राम का फाइनल इस ग्राउंड पर हुआ था, और नदीम नदवी साहब के अल्फाज थे कि वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया मणिग्राम, ईपीसीए में मणिग्राम का एकदम कंडक्ट हुआ था। जाहिद भाई, जो आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो सिलसिला आपने शुरू किया था 1992 से, और जब से आपने ये क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ईपीसीए की, तो उस वक्त से लेके अब जो चेंज आया है क्रिकेट में, नाइट क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुई है जब से, सबसा से ये सिलसिला शुरू हुआ था। कानों की एक खूबसूरत फैसिलिटी है, KFMC का एक ग्राउंड है नाइट ग्राउंड, कमीनी का एक खूबसूरत फैसिलिटी आ रही है, तो आप इस चेंज से डेफिनेटली खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्या तासुरात हैं आपको? मैं सबसे पहले कमीनी हो, सबसा हो, और दूसरे जितने भी कानून वाले हैं, ये सब लोग इतना माशाल्लाह अपनी एफर्ट्स दे रहे हैं, रियली दिल खुश होता है। क्योंकि हमने जब शुरू की थी क्रिकेट, वो एक अच्छा दौर का थोड़ा सा जवाल का ज़माना था। हमसे पहले भी जो 80s में मिसबा साहब हुआ करते थे, या रामदी वाले थे, आफ्ताब साहब थे, और ये दूसरे साहब समा इकबाल साहब थे, तनवीर साहब थे, फरहत साहब थे, तमाम लोगों ने बड़ी अच्छी क्रिकेट एंजॉय की थी, बड़े अच्छे पवेलियंस हुआ करते थे एक ज़माने में, लेकिन 90s में वो तमाम ख़त्म हो गए थे। और आमिर को याद होगा कि हमने खुद अपने बजट से यहाँ 3 शेड को अभी भी सामने नजर आ रहा है, हाईवे 3 पर, हाईवे 1, 2 और 3 पर हमने शुरू किया था ये शेड्स बनाने का सिलसिला, जो आज अल्लाह का शुक्र है मैं देखता हूँ कि तकरीबन 25-30 ग्राउंड है, और सबसे बहुत ही अच्छे डगआउट बिल्कुल, और नाइट मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर, अब तो बल्कि ग्रासी ग्राउंड हो गया है। रियली मैं कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू देम, जो भी यहाँ पे शौकीन अब माशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कुछ नसीब है ये क्रिकेटर। जाहिद भाई, इस ग्राउंड के हवाले से क्या कहेंगे, जो लाइटिंग है, जो डग आउट, मीडिया हाउस, स्क्रीन, ईच एंड एवरीथिंग आप देख रहे हैं, तो कैसा एक इंटरनेशनल लुक आपको लग रहा है? मैं अभी कुछ अर्सा भी आजकल पाकिस्तान में इस्लामाबाद में थोड़ी सी क्रिकेट खेल रहा हूँ, वहाँ पे नाइट मैचेस वगैरह भी है, स्टेडियम वगैरह में ये किसी से भी कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी से भी एनवायरनमेंट कम नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, और ख़ासकर जो जज्बा है यहाँ पर प्लेयर्स का वो और तमाम जगहों से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लड़के यहाँ पर काम करने आए हैं, अपने अपने मुल्क छोड़ कर आए हैं, जी तो एक एंटरटेनमेंट के लिए जो इन्हें ये मौका मिला है, बहुत लकी है ये सब कि आप जैसे लोग मिले हैं। मीडिया कवरेज, पहले तो हम एक अखबार की कटिंग के लिए इंतज़ार किया करते थे, अरब न्यूज़ में पिक्चर हमारी आ जाती थी तो हम फूले नहीं समाते थे, पूरा वीक लोगों को दिखाते थे अखबार के, हमने 100 किया है, 50 किया या 5 विकेट्स लिए हैं, माशाल्लाह खुश नसीब है ये लड़के। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी एफर्ट्स के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने इज्जत दी मुझे, अपने इस कबूतर बॉक्स में बुलाया। जी बिल्कुल सर, आप इज्जत, आप हमारी सर आंखों पर आपकी इज्जत, और आपकी भी बड़ी सपोर्ट चाहिए हमें, और एक दफा हम फिर आपको शुक्रिया कर देंगे, मैं और काबिश जो कि मेरे पार्टनर मेरे चैनल के, ये काबिश है माशाल्लाह, बिल्कुल जी आमिर साहब के आने से मेरी बड़ी हमारी हौसला अफजाई हुई है, तो शायकीन क्रिकेट भी बहुत पसंद करते हैं इनको। जाहिद भाई एक दफा फिर स्पेशल थैंक्स, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया से, अपनी बात का कोई भी इख्तिताम करने से पहले जो मेरा स्लोगन है, बिल्कुल जी हमें याद है, साथ देंगे, गो ईस्ट गो वेस्ट, ईपीसीए इज द बेस्ट, थैंक यू सो मच।